शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें स्पीच कैसे दूंगी? पता नहीं स्पीच क्या क्या बोलूंगी मैं। कवि क्या हुआ? आयु मेरी स्पीच वाला पेपर गायब हो गया। आयु स्पीच कैसे दूंगी? तो बहुत अच्छी बात है, बस मजा ही आ गया, अब सारी टेंशन खत्म है ना। अच्छा ही हुआ। How selfish of you, आयु। कभी भूल जाओ उस पेपर को। हाँ? ऐसे कैसे भूल जाओ? उस स्पीच के पेपर के बिना मैं स्पीच कैसे दूंगी आयु? देखो, क्या तुम उस पेपर से पढ़ के स्पीच देने वाली थी? नहीं ना। देखो, टेंशन मत लो। बस जैसे घर पे पढ़ा था ना हम सबके सामने, वैसे ही स्पीच देनी है बस। आयु घर की बात कुछ और थी, वहां सिर्फ पृथ्वी माँ और तुम थे, पर यहां वे कॉलेज के सामने स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे स्पीच दूंगी आयु? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक सेकंड, मेरी तरफ देखो, एक लंबी सांस लो। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चलो स्माइल करो। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाना है और सबको इंप्रेस कर देना है। सब कुछ अच्छा होगा। देखो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। क्या हो जाएगा, तुम भूल सकती हो ना। अगर तुम भूल जाओ ना तो मेरी तरफ देख लेना, मैं फर्स्ट रो में बैठूंगा, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम स्पीच दे देना। सब संभाल लूंगा, रिलैक्स। ओके मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। तुम रेडी रहना। ओके गुड लक। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये तो आप सबने सुना हो, लेकिन आज के जमाने में एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है हमें अपने आप से परिचय कराना, कि हमें क्या खूबियां हैं, हमें क्या खामियां हैं, और ऐसी कौन सी खामियां हैं जो हम सुधार सकते हैं। क्योंकि कॉलेज ही तो एक ऐसी जगह है जहां हमें सब कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, स्पोर्ट्स हो, कुकिंग हो, संगीत हो, ताकि जब हम यहां से बाहर निकलें तो हम वो करें जो हमारे लिए बेहतर है। अब जरूरी तो नहीं कि हम सबको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना, पर हम जो भी बने उसमें काबिल बने। सो आई टेक दिस ऑपर्चुनिटी टू थैंक आवर अल्मा मातर, और मैं आयुष्मान भार्गव डीएससी कॉलेज के एनुअल फेस्ट 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। और अब इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं मिस काव्या शर्मा, ताकि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर करण प्रताप सिंह जी का वेलकम करें। अच्छा करूंगी कभी, यही बैठा हूं फ्रंट रूम में। गुड लक। अपनी बेटी को स्टेज पर देखकर आप तो फूले नहीं समा रहे है ना?
दिल धक 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 कर रहा होगा ना, गला भी सूख रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ, अभी इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर स्पीच देना बहुत, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो भी पहली बार, राइट? अरे कुछ बोलोगी मिस काव्या शर्मा? ये स्पीच भूल गई हो? अरे स्पीच भूल गई, कुछ बोलोगी मिस काव्या शर्मा या अरे स्पीच भूल गई? अरे कुछ बोलोगी मिस काव्या शर्मा? अरे नीचे आओ, स्पीच भूल गई। अरे बोलेगी कुछ? अरे बोलना। वाओ, बहन जी की तो बैंड बज रही है। अरे कुछ बोलोगी? अरे बोलेगी कुछ? बोलना। अरे म्यूट मोड पर हो क्या? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। बोलो काव्या, मेरी तरफ देखो, डरो मत, तुम्हें सब याद है, बोलो। खुली हुई खिड़की देखकर तुम तो चले आए, पर मैं अंधेरे का आदि, अकर्मण्य निराश, खो चुका था तुम्हारे आने का विश्वास। हम भी खो चुके विश्वास, अब कृपा करके स्टेज से उतरने का करो प्रयास। अरे नीचे आओ। ये कोई तरीका होता है? लग ही नहीं रहा है किसी कॉलेज फंक्शन में आए हैं। देखो अपने चारों तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क छाप होड्डे मवाली बैठे हुए हैं। अब क्या अंडे टमाटर से खाकर ही मानोगी या खुद स्टेज से उतरोगी? अरे नीचे आओ। खुली हुई तेरी बनी मैं दीवानी, खुली हुई खिड़की देखकर तुम तो चले आए, पर मैं अंधेरे का आदि, अकर्मण्य निराश, तुम्हारे आने का खो चुका था विश्वास, पर तुम आए, स्वागत है। Baby.